भैया म्यूट तो हटा दिया करो चलो भाई नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का ठीक है आई होप आप सब चकाचक और जबरदस्त अंदाज में होंगे और तैयारी जबरदस्त चल रही होगी और आज का टॉपिक दिख रहा होगा आप लोगों को कि भाई टॉपिक क्या है तो ऑर्डर रैंकिंग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए ठीक है भाई चलिए तो हम्म मेरा कलम ही गायब कर देते मतलब मेन हथियार है हमारा भाई हाँ। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले ऑर्डर रैंकिंग की बात करें गुड इवनिंग भाई साहब गुड इवनिंग देखो ना कहीं ओके मुस्कुराते रहिए टेंशन नहीं लेना है ठीक है हाँ ठीक है हर हर महादेव हर हर महादेव आ जाओ भाई कलम लेके आ जाओ सब लोग तब तक। चलो तब तक काम चलाया जाए ऑर्डर एंड रैंकिंग यानि कि क्रम निर्धारण इस टॉपिक को क्या हम कहते हैं क्रम निर्धारण कम्युनिटी पर चंदन जी ने क्वेश्चन डाला है आज नहीं देख पाया हूं आज थोड़ा सा बिजी था मैं अभी रात में देख लेता हूं कुछ क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा थैंक यू ब्रदर चलो अब सबसे पहले बात करें भाई ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करेंगे तो क्या समझते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग से तो पहली चीज जो समझना है अगर कोई भी कहेगा कि लेफ्ट से तो लेफ्ट से मतलब इधर से ठीक है लेफ्ट से अगर कोई कहेगा मतलब इधर से राइट से देखो ये होता है ना भाई लेफ्ट हैंड ये है तो लेफ्ट से तो ये राइट right से तो ये ये ध्यान रखिएगा क्लियर है बाद बाकी यकीन मानिए आपको फंसता भी है क्वेश्चन आज के बाद नहीं फंसेगा ठीक है ठीक है तो अब शांत हो जाए जो भी मैटर है अब आ जाते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग पे माहौल टाइट हो चुका है ठीक है ठीक है छोड़ दो तो अब ये शांत रहो अब ठीक है आ जाते हैं ऑर्डर रैंकिंग का दिमाग करो माहौल टाइट बना लो अब ठीक है चलिए ठीक है अब ऑर्डर एंड रैंकिंग बनता कैसे है सवाल किस टाइप का सवाल आता है तो यहां ज्यादा आपको इधर उधर नहीं घुमाएंगे और डायरेक्ट लाएंगे क्वेश्चन के साथ और आप कहोगे कि हां सर लीजिए अगर मान लीजिए ऐसा सवाल रहे तो हम जवाब क्या लगाएंगे कोशिश करिए बनाने का नहीं बनेगा मैं बताऊंगा कि कैसे बनेगा सवाल ठीक है एक बार कोशिश जरूर करिए आप सब लोग और देखा देखी आंसर नहीं लगाएंगे ठीक है आज चैट बॉक्स बंद कर दें क्या ताकि एक दूसरे का कमेंट आप लोग नहीं देख पाइए तो आज थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि चिटिंग की गुंजाइश नहीं है चैट बॉक्स बंद कर दिया है मैंने ठीक है कोशिश करिए बनाने का कैसे बनाते हैं सवाल को एक एक लाइन तो समझ जाते हो पढ़ के ना जैसे इस क्वेश्चन की बात करें हम ध्यान दीजिएगा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है एक लाइन में पच्चीस स्टूडेंट है तो हम एगो लाइन ऐसे खींच लेते हैं ठीक है टोटल पच्चीस स्टूडेंट है तो लिख लिए पच्चीस यहां तो कोई भी ऐसे कर सकता था कि एक वो लाइन है जिसमें पच्चीस वो स्टूडेंट है अगला लाइन पढ़िए जिसमें क्या है सोनी अंतिम से बारहवें नंबर पे है सोनी अंतिम से क्या है बारहवें नंबर पे तो अंतिम से सोनी बारहवें नंबर पे है तो अगर सोनी खुद बारहवें नंबर पे है अंतिम से मतलब सोनी के इधर ही ग्यारह लोग होगा नहीं समझे सर अरे पगला समझो ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पच्चीस तो हम एक लाइन बना लिए कह रहा है इस लाइन में टोटल पच्चीस स्टूडेंट है ठीक है कह रहा है सोनी अंतिम से बारहवें नंबर पे तो सोनी अगर अंतिम से बारहवें नंबर पे है तो सोनी अंतिम से ही बारहवे नंबर पे खुद है मतलब इसके इधर कितने लोग होंगे लोग तब नहीं बारहवें है और टोटल हमें बैठाना है पच्चीस तो इसके इधर कितने लोग होंगे ये बताओ तो भाई और एक बारह तो बारह में और कितना जोड़ दे तो पच्चीस हो जाएगा ग्यारह एक बारह तो इधर कितना रखना पड़ेगा तेरह तो बारह तेरह पच्चीस ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं तो सोनी के इधर तेरह लोग सोनी के इधर ग्यारह लोग तो सोनी इधर से बारहवें नंबर पे था थी तो सोनी इधर से कितना होगी तो सोनी के इधर तेरह तो सोनी खुद कितना हो जाएगी चौदहवे नंबर पे ये मैंने कॉन्सेप्ट के लिए आपको बताया ठीक है लेकिन आप बनाते कैसे हैं बुक वगैरह कैसे देगा कंफ्यूज करेगा बुक बुक कहेगा अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मालूम रहे और किसी भी एक साइड से अगर पोजीशन दिया रहे जैसे कहा था टोटल 25 है सोनी अंतिम से बारहवें है तो शुरुआत से कितने हैं तो कहेगा कि भाई लेफ्ट से पूछ दिया है तो आप क्या करिएगा टोटल माइनस राइट मतलब अंतिम से जो दिया है वो और प्लस वन कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे ये पच्चीस है सोनी इधर से बारहवें नंबर पे है तो क्लियर है कि भाई टोटल पच्चीस सोनी इधर से बारह मतलब सोनी के इधर कितना लोग तेरह लोग क्योंकि बारह और तेरह पच्चीस पच्चीस तो करना ही है तो सोनी अगर इधर से बारहवें नंबर पे है मतलब सोनी के इधर तेरह लोग तो सोनी इधर से कितने नंबर पे तो सोनी के इधर तेरह था तो खुद सोनी चौदहवे नंबर पे क्लियर है तो एक बार सीएलसीएल फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ठीक है अगर क्लियर है तो एक बार सीएलसीएल लिख दीजिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं वाह आज कोई नोट क्लियर नहीं लिख रहा है कमेंट ऑफ है तो अगला यहां देखिए अब इस सवाल का जवाब क्या जाएगा लेट हो गया गुसिया जी कह रही है कोई ना रजनीश ने लिखा है नोट क्लियर रजनीश यहां देखो कैसे अब इस, इसको देखते हैं कैसे क्लियर करते हैं ठीक है राइट कैसे डिसाइड किए देखो कभी भी शुरू से कहे तो उसको हम लेफ्ट मानते हैं अंतिम से अगर कहे तो राइट मानते हैं ठीक है भाई एक कथा के सर राइट अंतिम से कहा है तो आप ही कहे है माने हैं शुरू से कहे मतलब लेफ्ट से अंतिम से कहे मतलब राइट से ठीक है इस सवाल का जवाब देखिए क्या जाएगा चौबन बी नंबर आ रहा है ज्यादातर लोगों का जवाब ओके कुछ लोग डी भी लगा रहे हैं नन ऑफ दीज ओके देख लेते हैं देखो कह रहा है एक पंक्ति में पी लेफ्ट छोर से पच्चीसवें स्थान पे है एक पंक्ति है जिसमें पी जो है वो लेफ्ट छोर से कितने नंबर पे है भाई पी लेफ्ट छोर से पच्चीसवे स्थान पे है ठीक है क्यू अंतिम छोर से तीसवे नंबर पे अब देखो पी लेफ्ट से पचीसवे नंबर पे क्यू अंतिम से तीसवे नंबर पे तो हम लोग क्या करते हैं चिपका देते हैं भाई पी इधर से पच्चीस क्यू इधर से तीसवे नंबर पे तो तीस तो पच्चीस प्लस तीस क्या हो जाएगा पचपन लेकिन पचपन कोई क्यों नहीं लगाया पता है सोचा है अरे जोड़ कुछ एक घटाते उठाते हैं लगा दो चौवन हो जाएगा चौबन हो सकता था लेकिन पचपन भी हो सकता है लेकिन देखो पी लेफ्ट से पच्चीसवें नंबर पे है और क्यू राइट right से तीसवें नंबर पे है तो ये जो हम लोग किए हैं ये हो सकता है कि पी लेफ्ट से पच्चीस हो और क्यू राइट right से तीस हो एकदम सट के हो जाए इस दोनों के बीच कोई है, ये नहीं है ये हो सकता है लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पी लेफ्ट से पच्चीसवें नंबर पे है क्यू राइट right से तीसवे नंबर पे है इन दोनों के बीच भाई कोई नहीं बैठा है कि एक आदमी बैठा है कि दस आदमी बैठा है कुछ भी बोला नहीं है सीधे खाली ये बोल दिया है कि पी लेफ्ट से 25 क्यू राइट right से 30 तो ये दोनों के बीच आदमी बैठा है कि नहीं बैठा है कुछ भी नहीं कहा है मतलब हम आंसर कभी भी फिक्स नहीं निकाल सकते तो इसका आंसर होता है सी एन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता क्या आंसर आता है कैन नॉट बी डिटरमाइन यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता अगर वो रहता तो लगाते निर्धारित नहीं किया जा सकता नहीं रहेगा तो नब दीज लगाएंगे नाउ क्रिस्टल एंड क्लियर अब एक चीज यहां से याद रख लो दो अलग अलग व्यक्ति का दो अलग अलग साइड से पोजीशन देके टोटल पूछेगा तो कभी नहीं निकाले निकल सकता जैसे कहे राम लेफ्ट से दसवें नंबर पे है श्याम राइट से बीसवें नंबर है, राम श्याम अलग अलग, अलग व्यक्ति और अलग अलग साइड से पोजीशन दे दिया और टोटल पूछा तो फिक्स हम कभी भी नहीं निकाल पाएंगे क्रिस्टल क्लियर क्लियर है भाई ठीक है ठीक है आगे इस सवाल का जवाब बताइए क्या लगा रहे हैं निकाहत रुक जाओ आगे आगे काहे भाग रही हुआ उस टाइप का भी क्वेश्चन करा देंगे हाँ हो सकता है बिल्कुल इसीलिए तो फिक्स आंसर नहीं निकल रहा है फरहीन फिरदौस जी रे 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 हालांकि ज्यादातर लोगों का जवाब सही है धनजीत गलत आंसर ई जिनका आ रहा है सही सेम सवाल है पिछल के सवाल तो था अब ऐसे सवाल में हम कलम भी नहीं उठाएंगे पढ़ेंगे ए लेफ्ट से सत्रहवें नंबर पे बी राइट से चौबीसवे नंबर पे दो अलग अलग व्यक्ति एक लेफ्ट से एक राइट से और कुछ देवे नहीं किया मतलब टोटल कभी नहीं निकलेगा सी एन डी सी डी डी ऑप्शन में नहीं है सेम सवाल था था पिछल का तब भी तुम लोग लगा रहा था। अभी बोले ना कि दो अलग अलग व्यक्ति का पोजीशन अगर दो अलग अलग साइड से दे देगा तो आंसर निकलवे नहीं करेगा फिक्स आंसर नहीं निकाल सकते ठीक है अगला सवाल इसका जवाब देखिए क्या लगाएंगे अरे अविनाश जी लेट जुड़ते हैं आप लोग हम का बताएं आप लोगों को अभी हम बताए हैं अभी बताए हैं कि अगर कोई कहे शुरू से उसका मतलब होता है लेफ्ट और कोई कहे अंतिम से उसका मतलब होता है राइट अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं अगर कोई कहे शुरू से दसवें नंबर पे है मतलब कि लेफ्ट से दसवें नंबर पे अंतिम से कहे तो मतलब राइट से ये बता चुके हैं बाबू हाँ ठीक है इस सवाल का जवाब नन अच्छा देखो क्या कह रहा है कुछ लोगों की एक लाइन में एक ही स्थिति पंक्ति की बाईं ओर से सताइसवी है अब देखो एक ही स्थिति पंक्ति की बाईं ओर से सताइसवी है मतलब ए कितने नंबर पे है सत्ताईसवें नंबर पे है लिख दीजिए एक की स्थिति ओर से सत्ताईसवें नंबर पे है क्लियर है यहां तक आगे और एक स्थिति राइट से चौंतीसवें है और इसी एक की स्थिति राइट से कितने नंबर पे है चौतीसवें नंबर पे है मतलब यहां क्या हो गया एक ही व्यक्ति का प्लेस वैल्यू दोनों तरफ से दे दिया है तो जब भी कभी एक ही व्यक्ति का प्लेस वैल्यू दोनों तरफ से दे दे

हाँ, आज ही वाई पे करवाए थे ये क्वेश्चन सही पकड़ दो क्वेश्चन इसमें मिलेगा जो वाई पे हम करवाए थे ये क्यों किए हम तो देखो क्यों किए हालांकि ये बताने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए थी लेकिन चलो क्या कह रहा है कि ए लेफ्ट से कितने नंबर पे है सताइसवें नंबर पे तो ए अगर लेफ्ट से सताइसवें नंबर पे है तो ये खुद सताइसवे नंबर पे है मतलब इसके इधर छब्बीस लोग होंगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा ए अगर लेफ्ट से सताइसवें नंबर पे है मतलब ए के इधर छब्बीस लोग तभी नहीं सताइसवें नंबर पे फिर कह रहा है यही ए राइट से चौतीसवें नंबर पे है और यही ए अगर राइट से चौतीसवे मतलब इधर से ये चौतीसवे नंबर पे है मतलब इसके इधर तैतीस लोग होगा ये तो फिक्स है अब कह रहा है टोटल बताइए कितना है तो आप जोड़ दीजिए तैतीस एक चौतीस और छब्बीस तब भी साठ आता है आंसर तो यहां कुछ घटाना उठाना नहीं था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट चल रहा था यहां घटा क्यों देते हैं क्योंकि जब आप लेते हो कि ए लेफ्ट से सताइसवें नंबर पे है तो इस सत्ताईस में भी ए काउंट हो गया और जब आप दूसरा कहते हो कि ए राइट right से चौतीसवें नंबर पे है तो जब चौंतीस लेते हो तो इसमें भी ए काउंट हो गया मतलब ए सत्ताइस में भी और चौंतीस में भी दो बार ए काउंट हो जाता है इसीलिए ट्रिक क्या निकला कि दोनों को जोड़ के जो आए उसमें से एक घटा दीजिएगा क्योंकि ए दो बार काउंट हुआ है तो आई थिंक नाउ क्रिस्टल एंड क्लियर क्लियर है एक बार ये बता दो वेरी नाइस वेरी नाइस क्लियर बढ़िया चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए कास्ट क्लियर एक दोनों तरफ से काउंट हो जाता है इसीलिए एक घटा देते हैं हाँ चंदन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इस सवाल का जवाब बताइए अगर दो मैन रहे तो दू गो मैन रहेगा तो इसे पिछल का क्वेश्चन करवाए हैं मनोज जी अलबल ये नहीं बता दे रहे हैं आपके सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा दुर्गेश जी अरे ठीक है सब सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है हाँ वीडियो सही से नहीं चल रही है सर नीतू जी आपका इंटरनेट प्रॉब्लम होगा नहीं तो मोबाइल प्रॉब्लम हाँ जी सौरभ सुशांत जी सर ये वाई पे इस क्वेश्चन को थोड़ा कर देते बारह पंद्रह इक्कीस चौबीस तीस उनचालीस इक्यावन ये तो वाई पे करवाए किए है दोबारा जाकर रिकॉर्डेड देख लो ना क्लियर हो जाएगा भाई मेरे सौरभ ठीक है हाँ एरे काजल बहुत मार मारेंगे भैया वही काजल नाम की प्राणी है उनका कहना ये है कि सर ये ये वाला क्वेश्चन फिर से कराइए अरे पगली अभी बोले कि एक ही व्यक्ति का प्लेस वैल्यू दोनों तरफ से मालूम रहे तो दोनों को जोड़ के एक घटा देते हैं यही ना बताए थे जैसे कोई कह दे कि भैया काजल जो है लेफ्ट से दसवें नंबर पे है और यही काजल राइट से बीसवे नंबर पे है तो बताइए टोटल कितना स्टूडेंट तो हम क्या बोले एक ही एक ही व्यक्ति का प्लेस वैल्यू अगर तो दोनों तरफ से मालूम रहे तो दोनों को जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए तो बीस दस तीस माइनस एक उन्तीस हवा हवाई क्वेश्चन है इसमें का समझना है कुछ करना ही नहीं है आगे ये दिए थे कह रहा है राहुल और नीतेश व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं ठीक है क्या कह रहा है राहुल और नितेश व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं तो यहां तो कुछ बना ही नहीं सकते व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़ा है दोनों ठीक है यहां से क्लू चालू कर रहा है कह रहा है राहुल बाई ओर से बारहवे तो लिखना स्टार्ट करिए राहुल बाई से बारहवे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है आगे नितेश ओर से अठारहवे और नितेश जो है वो दाई ओर से कितने नंबर पे भाई अठारह नंबर पे लिख दिया है उसके बाद क्या अगर वे अपने स्थान को बदल देते हैं अगर ये दोनों अपना स्थान क्या कर लेता है बदल देता है मतलब राहुल की जगह कौन आ जाएगा भाई नीतीश नीतीश की जगह कौन आ जाएगा भाई राहुल तो अब क्या हो गया नीतीश लेफ्ट से बारह हो, हो गया बदल लिया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बदलने के बाद क्या करा है बदलने के बाद तो राहुल लेफ्ट से पच्चीस हो जाता है अब राहुल जब यहां आ जाता है तब राहुल लेफ्ट से कितना हो जाता है पच्चीस हो जाता है तो करा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए अभी बताए थे एक ही व्यक्ति का प्लेस वैल्यू दोनों तरफ से अगर मालूम है तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे दोनों को तैतालीस तो एक दो एक तो माइनस एक मतलब बयालीस बी द करेक्ट आंसर बोलो भाई पक्की बात है एक ही व्यक्ति का प्लेस वैल्यू अगर दोनों तरफ से मालूम रहेगा तो दोनों को जोड़ के एक क्या कर देंगे घटा देंगे क्लियर है यहां तक पक्की बात है ओके ठीक है सबका हो रहा है क्या कुछ लोगों को लग रहा है कि सर रिपीट ठीक है रिपीट कर देते हैं अच्छा ये बताओ राहुल लेफ्ट से बारहवें नंबर पे जिनको जिनको नहीं समझ में आया देखो जिनको समझ में आ गया है परेशान मत होना थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन सबको साथ ही लेकर चलने की कोशिश करता हूं मैं बार बार राहुल लेफ्ट से बारहवें नंबर पे है तो राहुल लेफ्ट से बारहवें नंबर पे तो इतना तो लिख सकते थे ना कि राहुल लेफ्ट से बारह नंबर पे है फिर था नीतीश राइट से 18 है तो ये भी लिख सकते थे कि नीतीश राइट से 18 है उसके बाद क्या कर रहा है कि दोनों अपना स्थान बदलता है मतलब राहुल की जगह कौन आ जाता है नीतीश और नीतीश की जगह कौन आ जाता है राहुल तब क्या हुआ तब राहुल लेफ्ट से 25 हो जाता है तब ये राहुल जो है वो लेफ्ट से क्या हो जाता है पच्चीस तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए तो एक ही व्यक्ति है ये राहुल ये राइट से भी अठारह मालूम है और लेफ्ट से भी पच्चीस तो अभी ना क्वेश्चन कराए कि एक ही व्यक्ति का प्लेस वैल्यू दोनों तरफ से मालूम रहेगा तो दोनों को जोड़ के एक घटा दीजिएगा तो दोनों को जोड़िएगा तो आएगा तेतालीस एक घटा दीजिएगा तो आ जाएगा बयालीस नाउ क्लियर समझ आ गया सर ओके ठीक है सर एग्जाम डेट चेंज हो सकता है क्या नाइनटी नहीं एक कुछ भी हो सकता है क्योंकि जो अतुल प्रसाद जी है ना वो बात चार बार पे मारे हैं कमेंट स्टूडेंट नोट कर लें फॉर्म भरने का डेट बढ़ रहा है एग्जाम डेट वही रहेगा अच्छा किसका सवाल था? फरहीन जी। सवाल आपका अच्छा है मैं करा रहा हूं अब ये कह रही है क्या कि सर नितेश का पोजीशन पूछ लेता तब तो देखो टोटल तो तब भी हमें निकालना पड़ता टोटल कितना निकल गया बयालीस तो हमें पता है कि टोटल कितना है बयालीस ठीक है और नीतेश इधर से कितने नंबर पे है भाई बारहवें नंबर पे तो नीतेश राइट से पूछता नीतेश का तो अगर टोटल बयालीस लोग हैं और एक तरफ से ये मालूम है बारह तो इसके इधर कितना लोग बचेगा तो बयालीस माइनस बारह मतलब तीस लोग क्लियर है भाई सब क्रिस्टल क्लियर है टोटल बयालीस है नीतीश इधर से बारहवें नंबर पे है तो बयालीस टोटल करना है इसमें हमें बारह लोग आ चुका है मतलब तीस और अभी ना तीस और बारह बयालीस तो नीतीश के इधर तीस लोग तो नीतीश राइट से कितने नंबर पे इकतीसवे नंबर पे जो पूछता सब बनेगा भाई जो पूछता सब बनेगा नहीं सर तीस नहीं सर इकतीस होगा तारे पगला हम हमू लिखे हैं नीतीश के इधर तीस लोग है। हैं नीतीश कितने नंबर पे है तो तीस और एक इकतीसवे नंबर पे तब जाएगा कहेगा नीतीश के राइट में कितना है तो तीसें लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट जा रहा है ठीक है अगला सवाल ये लीजिए इसका जवाब बताइए ये हाँ और अमन जी कैसे हैं देखो एगो पूछ रहा है सी एस में कितना फॉर्म भरा गया है का मतलब सबसे पढ़ाई करिए ना कितना फॉर्म भरा है का मतलब आप अच्छे से पढ़िए पूरा टाइट होके जाइए कहता है ना कि माहौल टाइट हो गया है अब पढ़ना है अच्छे से तो पढ़िए तो ठीक नहीं है अरे कहा हुआ भाई अमन बताओ क्या दिक्कत है अमन जी है ना पेड में क्या है ना कि एप्लीकेशन पे ना बन ही नहीं पा रहा है मतलब वो सिस्टम ही नहीं है कि हम प्लेलिस्ट बना पाए ठीक है ये दिक्कत है देखो फिर एक एक लाइन पढ़िए क्या रहा है ए राइट right से तेरहवे नंबर पे है तो ए राइट right से तेरहवे नंबर पे है ठीक है बी लेफ्ट से इक्कीसवें नंबर पे है तो बी लेफ्ट से इक्कीसवें नंबर पे है ओके यदि क्लास में कुल पैंतालीस स्टूडेंट्स हैं मतलब टोटल नंबरों पे स्टूडेंट भी दे दिया है भाई की टोटल कितना है पैंतालीस है इतना में तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ खाली क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम खींच दिए इन दोनों के बीच कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं मतलब कितना है, है। तो पैंतालीस कि बी इधर से इक्कीस लोगों को लेके आया है तो ठीक है लेके ले आया है ए तेरह लोगों को लेके आया है तो तेरह लोगों को तो टोटल कितना हो गया एक और तीन चार दो और एक तीन चौतीस लोग हुआ है अभी तक इतना तक इक्कीस इतना तक तेरह तो टोटल चौतीस लोग हुआ है और करना है पैंतालीस तो पैंतालीस में से चौतीस घटा दीजिए आंसर आ जाएगा ग्यारह एंसर जोड़िए देखो टोटल पैंतालीस करना है तो इक्कीस ग्यारह और तेरह पैंतालीस हो जाएगा क्लियर है क्लियर है भाई यस ओके इसका दीजिए जवाब सिंपल था हाँ सर जी पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है अरे वाह अदर करवाइए प्लीज मतलब आप ये कुछ गलत लिख दिए हैं अमन राज जी सर जी पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है कुछ अदर बूपे करवाइए प्लीज कुछ गलत लिख दिया है आपने एक बार ठीक से लिख दीजिए सर क्लास खोजने में काफी टाइम वेस्ट होता है हाँ ये बात तो मैं मानता हूँ मैं अभी लगातार बात भी कर रहा हूँ प्ले लिस्ट का कुछ अदर उपाय करवाइए मैं आज अभी रुको एक सेकेंड दो मुझे इस सवाल को तुम लोग बनाओ तो thank you इसका आंसर देते रहिए आप लोग चलिए तो so, इसका आंसर देखिए तो छे और चार ठीक है छे और चार लगा रहे हैं आप लोग okay. इसका आंसर जो आप लोग लगा रहे हैं वो छे और चार लगा रहे हैं अब देखो क्या है कैसे बनाएंगे तो फिर वही एक एक लाइन आराम से पड़ी यदि अमित लेफ्ट से बारहवें नंबर पे है तो अमित भाई साहब लेफ्ट से बारहवें नंबर पे है ठीक है। सुमित राइट से चौदहवे नंबर पे है तो सुमित राइट से नंबर पे है दोनों के बीच कितना जाएगा फिर वही निकालना है तो भाई इधर से ए बारह लोगों के साथ आया तो बारह इधर से एस चौदह लोगों के साथ आया तो चौदह तो टोटल कितने लोगों को लेके आ गया अभी तक तो चार दो छ एक एक दो छब्बीस टोटल छब्बीस लोग आ चुका है अरे यहाँ तो बीसें आदमी है पगला, टोटल बीस आदमी है तो छब्बीस लोग आ कैसे जाएगा तो जब भी ऐसा हो कि टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट दिया गया रहे ये छोटा हो जाए अगर लेफ्ट और राइट को ऐड करके तो ये निशान होता है ओवरलैपिंग का ये ओवरलैप कर गया क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसे ये ओवरलैप कर गया मतलब एक दूसरे के एरिया में एंट्री किया है ये पता कैसे चलेगा तो जब भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट छोटा हो जाए लेफ्ट और राइट को एड करने पे लेफ्ट और राइट को एड किए तो छब्बीस आया टोटल बीस था मतलब बीस जो है छोटा है छब्बीस से ओवरलैप तो ओवरलैप हुआ इसका मतलब क्या होता है कि ए इधर से चला गया बारह ठीक है और एस इधर से चौदह इसके एरिया में चला गया है इसी को कहते हैं ओवरलैप ठीक है क्लियर है यहां तक भाई सब लोगों का अभी आंसर नहीं बताए यहां तक ओवरलैपिंग तो क्लियर है पहचान लोगे कि कभी भी ओवरलैपिंग का केस कैसे पहचानेंगे तो टोटल जो दिया रहेगा वो लेफ्ट और राइट को जोड़ने पे कम हो जाएगा ओवरलैपिंग तो पहचान जाओगे ठीक है अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं भाई बीस। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है बीस अमित लेफ्ट से बारहवें नंबर पे है पता है ओवरलैपिंग हो रहा है तो अमित लेफ्ट से अगर बारह नंबर पे है इसका मतलब क्या है कि टोटल अगर बीस ही आदमी है अमित लेफ्ट से बारह नंबर पे है मतलब इसके इधर कितना ये पहले बताओ टोटल बीस लोग है अमित लेफ्ट से नंबर पे और ये टोटल बीस ही करना है तो इसके इधर कितना आठ लोग और अब सुमित इधर से चौदह आ रहे हैं यही कहा है ना कि भैया सुमित राइट से चौदह है तो सुमित जब चौदह आएगा तो पहले तो ये आठ गया ये आठ तक तो खत्म और चौदह आया सुमित यहां तक तो जब सुमित यहां तक चौदहवें नंबर पे आ रहा है तो आठ और छ चौदह मतलब अमित से सुमित तक छह ही लोग बचा चौदह आएगा तो इसके इधर आठ था तो पहले तो ये आठ काउंट हुआ और छह चौदह मतलब अमित से सुमित तक छह लोग हैं तो अमित से सुमित तक छह लोग हैं तो अमित और सुमित के बीच कितने लोग तो सुमित और अमित के तक छे लोग हैं तो इसके बीच तो चारे लोग होंगे तब ना चार एक पांच और एक छे अमित से सुमित तक छे हैं मतलब बीच में चार चार एक पांच एक छे तो दोनों के बीच चार लोग हैं तो ये तो ऐसे बना ठीक है हम जान रहे हैं अभी भी बहुत सारे लोग आओ अरे थोड़ा औच पौच हुआ है यहाँ रुक, रुक जाओ देखो अभी वो क्या होता है तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस जो तेज का स्टूडेंट रहेगा पुरन का वो क्या करेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बीस वो से खींच दिया

नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह मतलब यहां पे सुमित आ गया तो इधर से क्या क्या है पहले इधर आठ को काउंट किया आठ के बाद इसको और इसको मिला के छह तो आठ से चौदह तो दोनों के बीच कितने लोग हैं चार तो वो ऐसे आंसर लगा देगा चार लेकिन इसमें टाइम क्या लगा ज्यादा लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा कि अमित अगर लेफ्ट से बारह है तो अमित के इधर आठ हम लाइन नहीं खींचे आठ और सुमित राइट से चौदह सुमित अगर राइट से चौदह है तो पहले तो ये आठ काउंट होगा यहां भी पहले यही आठ काउंट हुआ था ना तो ये आठ और अमित से लेके सुमित तक और छह जाएगा सुमित यहां पे तो 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 अमित 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 और और सुमित 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 तक तक छह छह लोग लोग हैं तो से लोग हैं तो से के बीच कितना जैसे अमित जैसे हम से ले, हमारे और आपको मिलाकर के आठ लोग हैं यहां से यहां तक तो हमारे और आपके बीच कितना तो हम और आप इसमें से हटाएंगे ना तो आठ में से दो गया छे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ ये क्या हुआ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ अब इसका फॉर्मूला कभी भी ओवरलैपिंग रहे और बिटवीन पूछे तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल ठीक है माइनस टू ये फॉर्मूला होता है इसका लेफ्ट राइट right को जोड़िए उसमें से टोटल को घटाइए जो आए उसमें से दो और घटा दीजिए तो ये बिटवीन निकाल के दे देगा तो यहां तक क्लियर है ये बताइए ठीक है यहां तक क्लियर है ठीक है सर व्हाट्सएप पर एक पिक सेंड की हूँ क्या इस टाइप से अब देख लेंगे बाद में अभी व्हाट्सएप बाद में ठीक है गुड इवनिंग क्लियर ओके अगला सवाल इसका जवाब दीजिए आप लोग क्या लगा रहे हैं एक बार नेक्स्ट ओके इसका देखो कैसे अब ये सब कंडीशनल सवाल आने लगे बेसिक कॉन्सेप्ट था अब थोड़ा कंडीशन है तो अब इसको प्रैक्टिस करना है कि अगर कंडीशनल आ जाएगा तब कैसे बनाएंगे क्योंकि सेम सवाल नहीं आएगा कंडीशन में वो घुमा फिरा के पूछेगा तो यहां समझने की चीज है हम लोग कैसे बनाएंगे ठीक है ना हाँ जैसे कह रहा है एक पंक्ति में यस लेफ्ट छोर से पंद्रहवे स्थान पे है तो लिखिए एक पंक्ति है जिसमें यस लेफ्ट छोर से पंद्रहवे स्थान पे है लिख दीजिए लिख दिया फिर क्या कह रहा है जबकि रीमा दाएं छोर से छप्पनवे स्थान पे है और रीमा जो है वो दाएं छोर से कितने नंबर पे है भाई छप्पनवे स्थान पे ओके फिर क्या कह रहा है? और और तो तो ये किसके लिए आया? तो जबकि रीमा दाएं छोर से छपनवा और मतलब रीमा और जो है रीमा के लिए आया तो रीमा जो है वो मोनू के दाएं सोलह हैं तो रीमा खुद मोनू के दाएं तो मोनू को कहीं भी बैठाओगे तो मोनू का दाया इधर ही होगा मतलब मोनू के दाएं रीमा सोलहवें नंबर पे तो मोनू के दाएं ये खुद सोलहवें नंबर पे है मतलब बीच में पंद्रह लोग होंगे समझना आगे तो कह रहा है इस कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए नहीं निकल सकता क्यों तो देखो यस इधर से पंद्रह था रीमा इधर से छप्पन रीमा और एम के बीच पंद्रह लोग लेकिन यस और एम के बीच में कितने लोग हैं नहीं है ये कुछ दिया ही नहीं है अगर कुछ नहीं दिया है इसका ये मतलब नहीं कि कोई नहीं है कुछ नहीं दिया है मतलब कि डेटा ही मिसिंग है आंसर ही नहीं निकल सकता ठीक है क्लियर है यहां पे क्लियर है भाई या ओके सर अगर ये दिया होता तो मान लो कह देता कि भाई मोनू और यश के बीच दो लोग हैं तो फिर जोड़ देते इधर से छप्पन पंद्रह एक दो और फिर यहां तक पंद्रह मतलब पंद्रह छप्पन फिर इन दोनों के बीच पंद्रह फिर ये एक मोनू एक और इन दोनों के बीच दो जोड़ देते सब जोड़ देते आंसर आ जाता अगर देता तो इसका जवाब बताइए क्या लगेगा पिछले वाला क्लियर नहीं हुआ धनजीत जी कह रहे हैं एक बार और इसको देख लो क्या कर रहा जबकि रीमा दाएं छोर से छप्पनवे स्थान पे है ठीक है और मोनू के दाएं सोलह है तो रीमा मोनू के दाएं सोलह था तो अगर वहां नहीं बैठा पाओ तो बाहर बैठा मोनू का दाया किधर होगा तो मोनू का दाया इधर होगा तो मोनू के दाएं सोलहवे नंबर पे रीमा है तो मोनू के दाएं सोलहवें नंबर पे खुद रीमा कब होगी जब बीच में पंद्रह लोग होंगे मतलब रीमा और मोनू के बीच पंद्रह लोग रीमा बैठी हुई है तो रीमा और मोनू के बीच पंद्रह लोग बैठा दीजिए ठीक इतना ही कहा था कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए तो भाई इधर से छप्पन लोग हैं तो ठीक छप्पन फिर इन दोनों के बीच पंद्रह लोग तो छप्पन और पंद्रह फिर एक मोनू खुद तो ये हो गया इन दोनों के बीच कोई है या नहीं है दिया ही नहीं है डेटा ही नहीं है मतलब डेटा है निर्धारित नहीं किया जा सकता नाउ धनजीत जी क्लियर नाउ धनजीत जी क्लियर एक बार ये बता दीजिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ये देखिए पचास छात्रों की कक्षा में रघु की रैंक पॉल से दोगुनी है ऑप्शन रहेगा भाई ऑप्शन रहेगा पांच ऑप्शन रहेंगे ओके सर ये कौन सा टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग ठीक है अब देखो पचास छात्रों की कक्षा में रघु की रैंक पॉल से दोगुनी है अब देखिएगा रघु की रैंक पॉल से दोगुनी है मतलब एक अगर एक्स होगा तो दूसरा टू एक्स होगा दुगुना का मतलब दोगुना तो रघु की रैंक पॉल से दोगुनी है मतलब पॉल से दोगुनी रघु की रैंक है तो रघु टू एक्स होगा तो एक्स प्लस टू एक्स बराबर कितना होगा तो टोटल पचास छात्र था तो पचास यही ना होगा जी रैंक दुगनी है अरे रे रे रे, 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 रे। हाँ यह यहां तक लिख लीजिए रैंक न दुगनी है टोटल आदमी पचास है ना रैंक दुग्नी है ठीक है रघु की रैंक पॉल से दुग्नी है और क्या कह रहा है दस छात्र हैं जिनकी रघु से भी बदतर रैंक अगर दे दिया ना तो ऊपर नीचे ऐसे मान लीजिएगा रैंक तो ऐसे ही है होता है ठीक है तो क्या कह रहा है कि टोटल कितने हैं टोटल इसमें पचास हैं ठीक है पचास है टोटल इसमें पचास छात्र हैं टोटल तो पचास ठीक है क्या कह रहा है कि दस छात्र हैं जिनकी रघु से भी बदतर रैंक है मतलब रघु से नीचे दस लोग हैं तो टोटल पचास लोग में अगर रघु के नीचे दस लोग हैं मतलब रघु चालीसवें नंबर पे था तो टोटल पचास है तो रघु के नीचे दस लोग हैं मतलब रघु ऊपर से चालीस होगा तभी ना दस पचास दस इसके नीचे है तो तो रघु का रैंक निकल गया चालीस तो रघु का रैंक चालीस निकल गया तो रघु क्या था टू एक्स तो इसका आधा तो पॉल का रैंक तो पॉल क्या हो जाएगा चालीस का आधा बीस मतलब पॉल का रैंक बीसवा था ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इसका बताइए क्या होगा भाई जवाब हालांकि इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आएगा नहीं बेसिक ही आएगा ठीक है हाँ मयंक जी कर नहीं समझे फिर से ओके अच्छा ये बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पचास छात्रों की क्लास है टोटल पचास है ठीक अब इस लाइन को रघु की रंग पोल से दोगुनी है इसको हम बाद में देखेंगे स्किप कर दिए यहां पढ़ रहे हैं दस छात्र हैं जिनकी रघु से भी बदतर रैंक है तो पचास लोग में रघु के नीचे दस लोग हैं तो ऊपर से रघु कितने नंबर पे होगा आप खुद बताओ टोटल पचास लोग है इस पचास में रघु के नीचे दस लोग हैं तो रघु ऊपर से कितने नंबर पे होगा आप खुद देख लो भाई पचास है इसके नीचे दस लोग है मतलब रघु चालीस नंबर पे होगा तो रघु की रैंक कितनी आ गई चालीस और रघु क्या था भाई पॉल से दुगना था मतलब चालीस जो है वो दुगना है भाई पॉल से ही दुग्ना होना चाहिए तो ये दुगना चालीस किसका है बीस का मतलब पॉल का रैंक बीसवा होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी नाउ क्लियर क्लियर है भाई यहां तक ये पहले बता दो इट्स ओके ओके चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ये देखिए अब इस सवाल का जवाब क्या लगा सकते हैं क्लियर ना हो ओके अब ये सब सवाल इतना मतलब लेंदी करके आपके एग्जाम में नहीं देगा ये ठीक है जितना अभी तक कराए हैं उसी में से एक टाइप का आ जाएगा अगर रैंकिंग से क्वेश्चन रहेगा तो सर सिटिंग अरेंजमेंट में जो और और तो सिटिंग अरेंजमेंट पे पढ़ेंगे तब ना अभी देखो रैंकिंग पढ़ रहे हो अब तुम ले लोड लिए हुए हो सौरभ भाई सिटिंग अरेंजमेंट का सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे तो सिटिंग अरेंजमेंट का लोड लेंगे ऐसे ही जीवन में इतना टेंशन है काहे ले तो रहे हो अभी रैंकिंग पे रहो ना सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट कर लेंगे कल ही स्टार्ट कर लेंगे देखो रीजनिंग में आपको एक रत्ती दिक्कत नहीं आने देंगे ये गारंटी दे रहे हैं तो मेरी क्लास चल रही है मतलब चल रही है क्या कह रहा है छह दोस्तों एल एम एन पी क्यू एस सबकी हाइट अलग अलग है ठीक है देख लो आएगा नहीं लेकिन देख लो क्या कह रहा है एन और क्यू से लंबा है तो नहीं लिख सकते हो एन जो है वो लंबा तो है लेकिन एन लंबा किससे है P और क्यू से तो पी और क्यू से ऊपरे रहेगा एन अब P और क्यू में कौन बड़ा कौन छोटा नहीं दिया है सीधे कहा था कि एन जो है वो पी और क्यू से लंबा है तो भाई P और क्यू में कुछ पता नहीं तो हम साथ में बैठा दिए लेकिन एन इसके ऊपर है लेकिन एम से छोटा है समझो लेकिन किसके लिए आता है तो लेकिन जब भी लगा रहेगा तो सब्जेक्ट के लिए आता है मतलब जो सबसे पहले यूज हुआ रहेगा स्टेंट में एन के लिए तो एन जो है वो एम से छोटा है एन छोटा है किससे एम से तो एम इसके भी ऊपर बैठेगा आगे क्या कह रहा है पी केवल क्यू से लंबा है अब देखो पी केवल किससे लंबा है क्यू से मतलब पी लंबा तो है लेकिन केवल क्यू से लंबा है मतलब और किसी से लंबा नहीं है यह केवल वर्ड बड़ा डेंजरस होता है ओनली लिखा रहेगा तो ध्यान से समझिएगा अगर यह कह रहा है कि P केवल Q से लंबा है मतलब केवल Q से लंबा है मतलब P और किसी से लंबा नहीं मतलब Q के नीचे कोई नहीं जाएगा क्यों क्योंकि अगर Q के नीचे तुम R को बैठा दोगे तब तो ये से भी लंबा हो जाएगा लेकिन नहीं कह रहा है क्या P लंबा है लेकिन केवल Q से मतलब P के Q के नीचे कुछ नहीं मतलब Q सबसे लास्ट में रहेगा ये नहीं समझे होंगे ये नहीं समझे हो आप इसको पजल थोड़े बोलते इसको रैंकिंग में ही रखिए नहीं समझे ये केवल वर्ड खतरनाक होता है पी केवल क्यू से लंबा है मतलब पी लंबा तो है लेकिन केवल क्यू से मतलब केवल क्यू से लंबा है और किसी से नहीं मतलब क्यू के नीचे कोई नहीं जा सकता मतलब क्यू सबसे छोटका निकल गया समझ गए ओके तो क्यू सबसे छोटा हो गया तो छह के बाद ये पांच हो गया पांच के बाद चार पे जाएगा कोई फिर तीन पे जाएगा कोई फिर दो पे जाएगा कोई फिर एक पे जाएगा कोई ठीक है ये बनने लगा हमारा अगला लाइन क्या कह रहा है जबकि एस केवल एल से छोटा है देखो फिर केवल लगा दिया है एस छोटा तो है लेकिन केवल एल से छोटा है मतलब इसके ऊपर कोई नहीं जाएगा जाएगा तो ये टॉप पे निकल जाएगा। क्यों एस केवल एल से छोटा है तो अगर एल के ऊपर किसी को बैठा दोगे तब तो इससे भी छोटा हो जाएगा एस नहीं कह रहा है एस केवल एल से छोटा है मतलब एल के ऊपर कोई नहीं एल टॉप पे हो गया उसके नीचे एस बीच में बचा एम एन एम एन बैठा दीजिए बन गया ये क्या पूछ रहा था सबसे लंबा और सबसे छोटा कौन है तो एल एल एंड एंड क्यू क्यू विल विल बी बी द द करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर हो जाएगा ठीक है भाइयों ठीक है रैंकिंग से इजी वाला ही सवाल रहेगा आपके एग्जाम में सुशील कुमार जी करें नॉट क्लियर एक बार और देख लीजिए सुशील जी केवल दो ही से तो आप आंसर निकाल सकते थे अच्छा ये बताओ केवल दो क्लू पढ़िए यहां से यहां तक पढ़िए सुशील जी पी केवल क्यू से लंबा है इसका मतलब क्या हुआ केवल इतना पढ़ के बताइए नहीं समझ आया जिन लोगों को कमेंट बंद करिए समझा रहे हैं केवल इसका मतलब बताइए P केवल Q से लंबा है इसका मतलब P लंबा तो है लेकिन केवल Q से लंबा है इसका मतलब और किसी से ही लंबा नहीं है तो इसके नीचे अगर R बैठा देंगे तब तो इससे भी लंबा हो जाएगा मतलब इसके नीचे किसी को नहीं बैठाना है P केवल Q से लंबा है मतलब इसके नीचे कोई नहीं मतलब सबसे नीचे यही है और टोटल अगर छे लोग था और सबसे नीचे क्यू है मतलब क्यू छठे नंबर पे आएगा और पी केवल क्यू से लंबा है मतलब बीच में भी कोई नहीं जाएगा तो ये पांचवे पे आ गया तो चौथा तीसरा दूसरा एक ये बैठाना है हमें यहां तक नोट क्लियर है तो बता दो हमको यहां तक नोट क्लियर है तो बता दो हमको भाई नोट क्लियर लिखे थे खुशबू लिखी थी नोट क्लियर है नजीर लिखे थे अमित लिखे थे कुमारी तनुजा बापरे बहुत लोग लिखे थे अब यहां तक क्लियर है आप लोग कमेंट करके बताओ भाई नजमा अभी भी कह रही है नहीं आ रहा समझ नजमा अब एक चीज सुनो ठीक है नजमा एक चीज सुनो हम कहें कि नजमा केवल हमसे लंबी है नजमा केवल हमसे लंबी है नजमा केवल हमसे लंबी है तो क्या हमारे नीचे कोई जाएगा ये पहले बताओ नजमा केवल हमसे लंबी है तो क्या हम किसी से लंबे हो सकते हैं अगर हम मान लीजिए अमित से लंबा हो जाए तो क्या यह स्टेटमेंट सही हो पाएगा नजमा केवल हमसे लंबी है अगर हम अमित से लंबे हुए मतलब अमित से भी लंबी हो जाएगी मतलब हमसे नीचे कोई नहीं बैठ पाएगा तब नजमा केवल हमसे लंबी है केवल हमसे लंबी है मतलब हमारे नीचे कोई नहीं जाएगा क्योंकि हमारे नीचे अगर गया मतलब उससे भी लंबी हो जाएगी और वो नहीं होना है क्योंकि केवल लगा है नजमा केवल हमसे लंबी है तो यहां कह रहा है पी केवल क्यू से लंबा है जो है वो लंबा तो है लेकिन केवल Q से मतलब इसके नीचे कोई नहीं जा सकता अगर गया मतलब उससे भी लंबा हो जाएगा तो ये केवल वर्ड का कोई मीनिंग नहीं रह गया ठीक है दूसरा उसके बाद क्या कह रहा है S. S. केवल L से छोटा है तो फिर वही चीज है एस छोटा तो है लेकिन केवल लगा दिया है केवल एल से छोटा है मतलब और किसी से नहीं एस छोटा है लेकिन केवल एल से मतलब और किसी से छोटा नहीं है मतलब एल के ऊपर भी कोई नहीं जाएगा तो एल का अगर ऊपर कोई नहीं गया तो एल टॉप पे चला गया हम तो सिर्फ इतने से ही बना देंगे कि सबसे लंबा कौन है तो एल सबसे छोटा कौन है तो क्यू एंसर अब क्लियर है गुरु जी सर समझ गई थैंक यू हालांकि इतना आपसे पेचीदा करेगा नहीं और जितना सवाल मैंने आपको कराया है इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं ठीक है तो रैंकिंग इससे ज्यादा नहीं आएगा यहीं तक आएगा और कुछ नहीं आने वाला ठीक है भाई यूट्यूब पे आप लोग जुड़ते हैं क्लास में शाम चार से पांच ये पहले बता दो ज़रूर जुड़ते रहिएगा वहाँ पे भी ठीक है तो चलिए बाय टेक केयर क्लास कैसी लगी एक बार बता दीजिएगा थैंक यू थैंक यू सो मच ठीक है भाई कल मिलते हैं फिर कल क्या सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट किया जाए बताओ हाँ अमन जी मैं बात करता हूँ सर पटना आइए आएंगे ज़रूर बताएंगे रक्षाबंधन में तो घर जा ही रहे हैं वैशाली जिला ठीक है ठीक है कल सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट किया जाए क्या सीटिंग अरेंजमेंट में तो तुम लोग और मेहनत करवाएगा हमसे रैंकिंग में ये हाल था हालांकि रैंकिंग इसीलिए पहले पढ़ा दिए थे कि सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा कम तंग करेगा तुम लोग थोड़ा तो दिमाग की बत्ती जली होगी मैं थोड़ा सा दिमाग ला कर पढ़ाता हूँ कौन पहले पढ़ाना है कौन बाद में ठीक है हालांकि कोई नहीं आप लोग जब तक नहीं सीखेगा नोट क्लियर लिखते रहिएगा मैं क्लियर कराए भी ना नहीं वैशाली में कहाँ पर सर वैशाली ज़िला में लालगंज और भगवानपुर के बीच में एक सहथा गाँव है वहीं पर ठीक है हाँ सिवान कब आइएगा सर आ जाएंगे मैं भी सह था की हूँ अरे कौन है सुरभि सिंह जी अरे तो गाँव की है कहा है पापा का नाम बताओ सुरभि जी सुरभि पापा का नाम बताओ टोला बताओ कौन टोला सतिहारा में पापा का नाम बताओ ना सुरभि सिंह सतिहारा में जो मैया स्थान है वहीं पे पूजा होता है हमारे यहां से आके छठ पूजा के सुबह में शाम में या कोई भी पर्व त्योहार होता है तो सतिहारा तो वहीं बगले में है राम बाबू सिंह मेरे पिताजी का नाम है श्री विनय पांडे पूछना कि उन्हीं के बेटा से पढ़ते हैं बताना अगर घर पे हैं तो ठीक है हाँ हाँ मिस्टर विनय पांडे चलो बाय बाय टेक केयर थैंक यू राजू कुमार जी का प्लीज रिप्लाई राजू के बात का रिप्लाई कर दे राजू क्या लिखा है राजू लिखा है दे रहा है राजू के दिखाई राजू रुक रुक कर दिखाई दे रहा है नेटवर्क इशू होगा बाबू राजू ठीक है हाँ ठीक है अरे बोलने से नहीं होता है सौरभ सुमन जी काम करने से होता है ना मैं कर रहा हूं ठीक है हाँ प्लीज रिपोर्ट सबका कमेंट पढ़ रहा हूं बाबू ठीक है ठीक है चलिए बाय बाय एक आ रहा है कि सर कल क्वेश्चन ही करवाइए रैंकिंग से एक क्वेश्चन आएगा और जो शुरू में हम तीन चार क्वेश्चन कराए ना उसी टाइप का आएगा कहोगे तो हम और प्रैक्टिस रैंकिंग का करा देंगे और लेवल का करा देंगे लेकिन वो सब आएगा नहीं उसकी दिक्कत नहीं है ठीक है हाँ ओके चलिए बाय बाय टेक केयर